गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी सारे गद के बुलाओ फतेह वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। अज आप सारे बधाई के पात्र हैं। अज जिहड़ा मोर्चा 2.5-3 महीनों तो लग्या होया इत्थे पूरी चढ़दी कोला होई है। पिछले दिनों तो लैके जो चर्चावां चल रही सी भी मोर्चे दे नालों जूथ टुट गया जां होर कई बखरेवे हन, अज उह सारे बखरेवे जां बखरेवे पाउण वालिआं नूं मूंह ते चपेड़ आ इह कि सारे नौजवान सारिया निहंग सिंह जथेबंदियां संयुक्त मोर्चा पूरा भारत का किसान पूरा भारत का मजदूर अज एक मंच से एक आ गया, अज एक हो गया सारिया का। अज सारिया बहुत बहुत बधाइया साडे वल्लों पेश करदे हां। इस मोर्चे के जिहड़े नौजवान हन वो मोर्चे के रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। मोर्चे नौजवानों की बहुत घाट रड़कती सी जिहड़ी अज पूरी हुई है। तुहानू पता है कि पिछले दिन जो मोर्चे के उतरा चढ़ा आए वो सारिआं नूं पता, सारिआं ने देखे ने, सारिआं ने पिंडे ते हटाए हन। साडे नौजवानों नूं जेलां दे विच बंद करता है, साडे उत्ते हर रोज कोई ना कोई झूठे परचे पाए जा रहे हैं। कल भी पुलिस वालों सरकार वालों 200 फोटो जारी कीतियां गईयां हन, उहदे विच सानूं फड़न वास्ते सानूं डराउण वास्ते इहो जिहियां गिद्दड़ धमकियां दे रहे हन, पिंडां दे विच छापे मारे जा रहे हन। डरन दी लोड़ नहीं, जे संघर्ष जदों मिलिया जांदा है प्यारे साध संगत जी उदों कुरबानियां हुंदियां ने, उदों शहीदियां हुंदियां ने, उदों पर्चे पैंदे ने, उदों जेलां दे विच जी जान जाण दा मौका बणदा, उत्थे जेलां विच वी सानूं डक्किया जा सकदा है, डक्के जा रहे ने साडे नौजवान वीर अते साडे उत्ते जिहड़े किसान संयुक्त मोर्चे दे आगू ने उहनां उत्ते वी ਇਹ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਟਕਾ ਮੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ 50,000 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਬਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵਹੀਰਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਡਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਾਲੀ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਏਕੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਫੜ ਲੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਆ, ਭਰ ਲੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ, ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ।
कोई पासिया तो डरते नहीं है। साडे नौजवान ये मोर्चे की रीढ़ की हड्डी हैं, असि तैयार पत्तियां संयुक्त मोर्चे के नाल असि खड़े हैं। मैं पहला बेनती करके नौजवान कि सानू सख्त शांतमई तरीके जो फैसले वो लेने चाहिए ने, असी तुहाडे नाल खड़े हैं। तुहाडी पिट ते खालसा पंथ खड़ा है, निहंग सिंह जथेबंदियां खड़ियां ने। तुहानू डरन की लोड़ नहीं, तुहानू चिकन की लोड़ नहीं, किसी तो भी सरकार नू खुला सैलन कर दो। अजे तो गुरमुख ये अंदोलन होया है, शहीदियां हो फलों फड़ाई हो रही है, अजे पता नहीं की कुछ होगा। जे तुसी इन्हां दे रोह पछाणे, सरकार पछाणे, अज ये मोर्चा पूरे भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का मोर्चा बन चुका है। ये तुहानू सरकारां बदनाम करनिया चाहदिया हन, कदे हिंदू सिख का रौला पवा के, पर अज असी जाग चुके हैं। ना असी हिंदू सिख की लड़ाई पाउणी है, ना मुसलमान हिंदू की लड़ाई पाउणी है। अज सारे एक दे विच ने, पूरे 85% लोग भारत दे, ये उन्हां दा मोर्चा है। कल्ले पंजाब का हरियाणे का नहीं, भारत दे विच 7643 जातां हन। अते मुसलमान जिहड़े वीर उदन आए सीगे, मौलाना सैयद नमानी जी जिहड़े 25 करोड़ मुसलमान वीरां दी अगवाही करदे ने, उन्हां ने तुहानूं समर्थन दे दित्ता है। असीं निहंग सिंह जथेबंदियां ने अते किसान मोर्चे वाले आगुआं ने रल के 27 तरीक नूं भगत रविदास जीआं दा अते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे गुरमुख प्यारिओ साथी भाई संगत सिंह जी उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा मनाउण दा ऐलान कीता है। 25 तरीक नूं इत्थे अखंड पाठ आरंभ होणगे, 27 तरीक नूं वड्डे पद्धर ते नगर कीर्तन कीता जाएगा। जिहड़े रविदास भाईचारे दे फुलवाड़ी है वह भारत दे विच 32 करोड़ है, अज वह भी तुहाडे नाल पिठ नाल पिठ जोड़ के खड़गी, वह भी मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़गी। ये किसान मोर्चे की दिनों दिन चढ़ती कला हुंदी जा रही है। सारे वर्गों के लंगायत धर्म ने भी आना, इतने इतने बोधी भी आ गए, सारिया ने आना है, सारे का साझा मोर्चा है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि जिहड़ी मोदी सरकार है, RSS दी ब्राह्मण सरकार है, ये सानू 85% लोगों नूं गुलाम बनाना चाहती है। भारत दे विच जिथे हरियाणे पंजाब दे विच पूरे भारत दे विच पहला आउंदे आ जट, फिर जाट आउंदे आ, फिर लवाणे आउंदे आ, फिर कंबोज आउंदे आ, फिर सैणी आउंदे आ, फिर राए आउंदे आ, फिर होर सारे OBC ST सारे आउंदे आ। ये कहिंदे ये लोग शूद्र ने, तुसीं अपना जन्म पत्री कढ़ा के देख रहे हो, वो लिखा हुआ है बन जात शूद्र लिखी जाती है, जट शूद्र है, गन का जो खाना है वो लिखा हुआ राक्षस। इस करके ये ब्राह्मण सरकार कह रही है राक्षसों को शूद्रों को जमीन रखने का कोई अधिकार नहीं, इस करके तो हाथों ये असल चाल यह है, तो हाथों जमीन खोईया जा रही ने। असल मकसद इन्हों का यह है ब्राह्मण सरकार का, गुरमुख ये सातो ये जमीन खाणिया चाहदिया ने, सानू ये शूद्र समझदिया ने। इन्हां नूं पता है, तुहानूं पता आ बच्चों के साडे तरागी क्यों बनी जाती है, पंजाब दे विच असीं तरागी कहने हैं, हरियाणे दे तागड़ कहा जाता है, ये तरागी क्यों बनी जाती है, असीं चौल नाल बनदे नहीं, ये सानू शूद्रां दी निशानी है। जे ब्राह्मण नूं पता जिहड़ा वड्डा है उहनूं पता भी ये शूद्र है, पर उस बच्चे की पछाण करन वास्ते उसने तरागी दे दित्ती काले रंग दी, विच घुंगरू पा दिते कि जदों बच्चा आवे घुंगरुआं दी आवाज़ दी आवाज़ आवे कि यह शूद्र का बच्चा है। इत्थों तक सानूं इन्हां ने गुनाह बनाउण दीआं कोठियां चालां यह गौरमेंट दीआं, यह ब्राह्मणवाद सरकार दीआं ने। हुण तुसीं देख लो, तुसीं आजादी चाहुणी है जां इह आपां ने मोर्चा जितना है, जां घरां दे विच बहि के तुसीं गवाली गुलामी कबूलणी है। हुण तुहाडे ते नौजवानों तुहाडे ते डिपेंड करदा है, आजो इत्थे आके बैठो, असी भारत दे वासी हैं, भारत देश साडा है, ये ब्राह्मण लोग ये मोदी ये RSS कुछ नहीं लगती इस भारत की, असी इत्थे बैठे हैं। दो मिनट सिर्फ मेरे दो मिनट हो लेने हैं, ये सानू गुनाह बनाना चाहते ने। जे मेरिया गल्लां दे विच किसे नू शक होवे,
या गलत होना, मैं 1 लाख रुपया इनाम देने तैयार है। जे ये गल कोई साफ झूठिया कर दे 1 लाख रुपया लै जाए, ये गल् सचिया ने, यह गल् सू कबूलिया पैनिया। तुम अज जाग दो, अज मन लो, जाके अपनी जन्म पत्री कटा लो। हरियाणे के मनोज कुमार जोड़े हम मनोज सिंह बन चुके हैं, पंजा जाटा ने अपन जन्म कुत्री जड़िया पत्रियां ने वो कटा के देखिया ने। तुम भी देख लो भी सू सूत्र मनते हैं जा नहीं। सानू ये लोग भारत साडा है, इतने कोई तोड़ फोड़ नहीं असी करनी, इन्हों कलम नहीं लेनी। ये साडा भारत देश है, सारा कुछ साडा है। असी इन्हों आर एस एस वाले बीजेपी वाले इतों तोड़ा कर देंगे, ये देश छोड़ने पर मजबूत कर देंगे। पर सत्ता है ये सानू एक आना पैना है। ईवीएम जी दोबारा जी दोबारा ये सरकार बनी है, ये भी मंग रखनी चाहिए है, ये भी खत्म हो गए। अज जरा 85% लोगों का अंदोलन है गुरमुख, जे असी जितने हैं तो असी बच जाएंगे, नहीं सानू खत्म कर देंगे। जे ईवीएम दोबारा दोबारा फिर वोटा पैदा ने, दोबारा ईवीएम ने फिर मोदी सरकार बना देनी है। फिर कह देना मोदी ने कि मैंने भारत के लोगों ने बनाया है, भारत के लोगों ने बनाया। वो किसान तो झूठे से जो थोड़े जे बैठे से, इस करके जागो, ईवीएम खत्म करा दो। जिहड़ा ये मोर्चा ये सानू एके दे विच जावते दे विच बैठ रह के एका बना के शांति दे नाल असीं जितना है। जिहड़े साडे संयुक्त मोर्चे दे आगू ने, यही साडे आगू सही ने, इन्हां नूं असीं चढ़दी कला दे नाल होर मोढे नाल मोढा जोड़ के सहयोग देना है। ये जो फरोग देण प्रोग्राम देणगे, असीं निहंग सिंह जथेबंदियां आ यूथ सारे इन्हां दे फुल चढ़ावांगे। इतों ऐलान ये अज कर दिता सरसा साहब ने कि यह जिहड़ा नवरीत सिंह है ये मोर्चे का असल शहीद है। भाई नवरीत सिंह अमर रहे, भाई नवरीत सिंह, भाई नवरीत सिंह, भारत किसान मजदूर एकता, भारत किसान मजदूर एकता। एके दे विच रह के, संजम दे विच रह के, शांति दे विच रह के आपने ये मोर्चा जितना है। सरकार मत सानू डरावे, दोबारा फिर कहना चाहना मोदी नू कि सानू जेलों का डराबा ना दे, असी शहीदियां पाउण नू भी तैयार हैं। पर आ जिहड़ा जिहड़ी वो गल ते आ जा, सीधा होके आने वाली जगह पर आ जा। ये बिल रद्द कराउण वाले बैठे ने, ये भज्जण वाले नहीं, ये डरन वाले नहीं है। ये मोर्चा जित के जाण वाले ने, जित के जावांगे। जिन्ना मर्जी मोर्चा इह चला लवे, जित यकीनी है, जित के जावांगे। इस करके भरावो एका बना के रखो, असीं तुहाडे नाल है। यूथ तुहाडे, निहंग सिंह जथेबंदियां तुहाडे नाल ने, संयुक्त मोर्चा तुहाडे नाल है। घबराउण की लोड़ नहीं, बस एके की लोड़ है। आ जाओ घरां दे विच बैठ के मसले हल नहीं होने, इत्थे बैठो, इकट्ठ ने ही इनू हल करना, कठ ने ही ये मोर्चे की चढ़ती कला से जित दवानी है। इनिया बेनती करता हुआ साडे निहंग सिंह जिहड़ियां जथेबंदियां ने, सिंह साहब बाबा मान सिंह जी बुढ़ा दल दे, अते सिंह साहब बाबा कुलविंदर सिंह जी तरना दल दे मुखी, सिंह साहब बाबा नैण सिंह जी तरना दल दे मुखी, सिंह साहब बाबा बलविंदर सिंह जी तरना दल दे मुखी, सिंह साहब बाबा चढ़ सिंह जी अरबा गरबा तरना दल दे मुखी, सिंह साहब बाबा मान सिंह जी तरना दल दे मुखी, सिंह साहबा गुरसेवक सिंह जी तरना दल दे मुखी, सिंह साहब बाबा तरसेम सिंह जी तरना दल दे मुखी, महते चौंकीए। ये सारिया निहंग सिंह जथेबंदियां तो संयुक्त मोर्चे किसान के नाल ने, अते नौजवानों के नाल खड़े हाँ। असी मोढ़े नाल मोढ़ा जुड़ के असी नहीं हिलदे, इतों मोर्चा जित गए, फिर असी जाना है। उन्हां चिर पूरे तौर पर डटे हुए हैं, डरन की लोड़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं। चढ़ती कला के बिच बुलंद हौसलों के बिच खुशियां का जिक्र हो जाए, फतेह भावे निहाल हो जाए। श्री अकाल, ढोलां चुकां दी खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।